आवश्यकता है, जरूरत है तेरे मन से कथा सुनने की, कि तूने मन से कथा सुनी या नहीं सुनी। सती ने नहीं सुनी, बाबा ने सुनी, और बाबा को एक एक बात पर यकीन था जो कुंभज ऋषि ने कहा, और सती को यकीन नहीं हुआ। और जब राम आ रहे थे तो बाबा ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घनश्याम। और जब प्रणाम किया तो सती को संदेह हो गया। संदेह कैसा, वो कहते दुनिया तो इनको पूछती है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो आप। बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु ऋषि मुनि सुनाई, ये वही सोई मम इष्ट देव, मेरे इष्ट देव है। लेकिन एक बात है, जब शंका मन में घुस जाए तो इतनी आसानी से नहीं निकलती, और वो भी देवी को पति पे शंका हो जाए तो फिर तो भैया कमाल होई वे करी। जोर से बोलना पड़ी महाराज, और जोर से बोलना पड़े। का हुई महाराज, फिर जब देवी जी को संदेह हो जाए पति पे, बड़े बड़े शहरों में जब पति लेट आता है ना, तो पत्नी कई बार फोन करके पूछती है, कितने रह गए हो महाराज। देवता कहते हूं नहीं आया। अरे रह कहां गए। बोले तुम जानते तो हो ट्रैफिक बहुत है। देवी भी बहुत चालाक, देवी कहती आजकल बड़ा तेरा ट्रैफिक जाम रहने लगा है, शहरों में रहने वाले लोग एक बाना बनाते ट्रैफिक जाम है। देवी कहती बहुत तेरा ट्रैफिक जाम हो रहा है आजकल, है क्या चक्कर है, समय पे आ जाओ समय पे जाओ। शंका नहीं होनी चाहिए पत्नी को, अगर एक बार शंका हो गई ना तो बस। अब बाबा समझा रहे हैं और सती नहीं समझ रही है, कितनी बड़ी बात है। बाबा समझाए सती ना समझे है ना अचरज की बात, जिनके इशारे से दुनिया समझ जाए लेकिन देवी नहीं। क्यों भैया, देखो सबको समझाना आसान है पर बड़ा थोड़ा टेढ़ा लगता है। नहीं, आप मुझे संदेह की नजरों से मत देखो, हमारी देवी जी अभी भी कथा सुन रही होंगी, पक्की बात है, वो देखती है, वो समझदार है, ऑलरेडी समझदार, हमें समझाना नहीं पड़ता। और भगवान करे सबको समझदार देवियां मिले, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बाबा समझा रहे पर समझ में नहीं आ रही है बात। बाबा ने अंत में कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो जाके। कई बार पतियों को कहना पड़ता है तुम्हें यकीन नहीं तो मेरा मोबाइल चेक कर लो, है? जब से मोबाइल आया है तब से घर में मुसीबत बढ़ गई है। फोन सुन के हटोगे तभी पूछ लेती हैं देवियां किसका था। देवियां फोन करके चुके तो पति पूछ किसका था, मजबूरी बताना पड़ता है मम्मी का था। पति भी सोचने लग जाता है तेरी मम्मी बड़ी फोन कर रही है आजकल, राधे राधे। आपसे एक प्रार्थना करूं, कुछ भी करना पर संदेह मत करना। जो लोग संदेह करते हैं उनका ग्रस्त बर्बाद हो जाता है, और जो संदेह नहीं करते जो विश्वास करते हैं उनका ग्रस्त चलता रहता है। और एक यकीन जो हमारा, अगर हमारे पति या हमारी पत्नी हम पर विश्वास करे तो उसके विश्वास को धोखा नहीं मिलना चाहिए, है? तो ग्रस्त अच्छा चलेगा। बोलो राधे राधे। बाबा ने कहा जाओ परीक्षा लो, और महादेव ने कहा, देवी पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए, बन के गई सीता। राम तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है, वो तो त्रिलोकी नाथ है, वो घट घट की जानने वाले हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। राम समझ गई हमारी परीक्षा लेने आई है, क्या बन के गई हैं सीता। उस वक्त जब सीता जी का हरण हो चुका था, लक्ष्मण देखकर भ्रमित हो गए। लक्ष्मण ने देखा सीता जी हैं, लक्ष्मण चकित सती कर वेशा। लेकिन भाई साथ में इसलिए कुछ बोले नहीं,
बड़े भैया साथ में है ना, फिर चिंता किस बात की है, भैया है तो सही। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जब बड़े हों तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। जब हमारे साथ बड़े हो ना तो सारी जिम्मेदारी बड़ों की है, फिर बड़े संभाल लेते हैं। हाँ, जब बड़े इशारा कर दें तो फिर छोटों को बोलना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ी सी जिम्मेदारी पलट गई है, जहां छोटे हों वहां बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज का बेटा तुरंत कहता है, पिताजी आपके जमाने की बात नहीं है, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता। कहता है कि नहीं कहता है ना, ये मॉडर्न जमाना है पिताजी। अरे तेरे मॉडर्न जमाने में बाप को छोरा कहते हैं क्या? मॉडर्न जमाने में बाप तो बाप ही रहेगा ना, कि छोरा हो जाएगा? छोरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तब बोले सीधी सी बात है मेरे भाई, जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारा कल्चर कभी नहीं बदल सकता। हमें अपनी सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संस्कार ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ये संस्कार ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन कई लोगों को यकीन नहीं होता, उन लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, वही है वही जो राम रची राखा, वही है वही जो राम रची राखा। ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी आएंगे क्या? वही है वही जो राम रची राखा, जोर से बोलेंगे। असकई लगे जपन हरि नामा, क्योंकि वही है वही जो राम रच राखा। इस संसार में क्या होता है? जो मेरे प्रभु को मंजूर है, उनकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता है? यहां बैठा हुआ हर शख्स चाहता है कि मैं करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाऊं, लेकिन बने आज तक? जब आप खेत में बीज बोने जाते हो तो क्या सोच के बोझते हो? भगवान इतनी फसल हो कि गांव में सबसे पहले नंबर पे मेरा ही नाम आ जाए, हाँ या ना? सबसे ज्यादा फसल मेरे खेत में हो। अब की बार कोसी नदी में बाढ़ ना आए महाराज, हाँ या ना? महाराज अब कि हमें नाव का प्रयोग ज्यादा ना करना पड़े। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ में यहाँ के एक बंधु थे, वो बता रहे थे, महाराज जैसे शहर में हर व्यक्ति के घर में गाड़ी है, वैसे ही यहाँ हर व्यक्ति के पास नाव है। सही है गलत है?
क्योंकि कुछ समय बाद यहां पानी बरसने लग जाएगा और फिर क्या होगा, सब लोग नाव में ही सवारी करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। तो कितनी विचित्र बात है, कितनी सुंदर बात है। चाहते तो सब हैं, लेकिन होता क्या है, बोले वही है वही जो राम रचि राखा। यहां तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, यहां मेरे प्रभु की मर्जी से ही सब कुछ होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, तो इसके लिए जरूरी है कि प्रभु के ऊपर सब छोड़ दो। तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। अगर आप सोचते हो कि आपको सब कुछ मिल जाए और किसी को कुछ ना मिले, यह असंभव है। आपकी मर्जी से वो नहीं होगा।